हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैंक की जो आपके लिए फिक्स डिपॉजिट पर देता है 9% से ऊपर का इंटरेस्ट, वहीं आपके सेविंग खाते पर आपको देता है 7.5% का इंटरेस्ट। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कौन सा बैंक है, इसमें आप अपना खाता कैसे खुलवा सकते हैं, जीरो बैलेंस खाता कैसे खुलवा सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ समझने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि आए दिन हमारे पास इस प्रकार के कमेंट आते रहते हैं कि भैया कोई ऐसा बैंक बताइए जहां हमारे लिए अच्छा दवा के इंटरेस्ट मिल सके। क्योंकि इंटरेस्ट एक ऐसी चीज होती है जहां हम पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं और वहां से हमारे लिए सेफली अच्छा खासा ब्याज कमाने का मौका मिलता है। देखो, इतना इंटरेस्ट मिलना आम बात है, ये आपके लिए शेयर मार्केट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन शेयर मार्केट में हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, बहुत सारे लोगों को डर रहता है, इसलिए अधिकतर लोग एफडी करना पसंद करते हैं और एफडी में भी उन्हें अच्छा खासा ब्याज चाहिए होता है। लेकिन हमारे इंडिया में जो बैंक आपके लिए ब्याज देता है एफडी पर, वो अधिक से अधिक कितना देता है, 6% 7%, लेकिन यहां पर आपके लिए मिलने वाला वैसा है 9% से ऊपर का इंटरेस्ट। चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक कर दीजिएगा। अभी हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहां पर देखते हैं आप लोग जो बैंक का नाम यहां पर आपको दिख रहा होगा, सूर्य डे स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो आपके लिए यहां पर देता है फिक्स डिपॉजिट पर 9.1% पर एनम का इंटरेस्ट हाईएस्ट। इसके अलावा यहां पर हम बताएंगे आपको कितना इंटरेस्ट किस प्रकार से आपको मिलेगा, लेकिन हाईएस्ट इंटरेस्ट इसका यहां पर आप देख सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम आपके लिए बताएंगे कि ये बैंक कितना सेफ है, अगर आप यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी वगैरह करते हैं तो आपका पैसा कितना सुरक्षित रहेगा। दूसरी चीज यहां बताएंगे आपके लिए कि यहां पर जीरो बैलेंस खाता कैसे खुलेगा और आप सेविंग खाता यहां पर किस प्रकार से खुलवा सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, वीडियो में बने रहिएगा। देखो, इंटरेस्ट का चार्ट मैं आपके लिए स्क्रीन पर शो कर दूंगा, आप यहां पर देख लेना किस टाइम में आपके लिए कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है आपको समय के हिसाब से कि आप बैंक में कितने लंबे समय के लिए अपनी एफडी कर रहे हो, उसके हिसाब से बैंक कम ज्यादा इंटरेस्ट कर सकता है। तो आप एक बार देख लेना। और इसका जो टाइम यहां पर देख लेते हैं आप लोग, 7 अगस्त 2023 का लेटेस्ट इंटरेस्ट है ये, सूर्य डे स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट है। तो यहां पर आपको इंटरेस्ट देखने को मिल रहा होगा। तो यहां पर आपको ये बैंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देता है इंडिया में, जो भी बैंक आपको ब्याज देती है उनमें भाई साहब सबसे नंबर पर जो बैंक आता है इंटरेस्ट देने वाला बैंक, वो सूर्य डे स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अगर हम यहां पर नॉर्मल सेविंग अकाउंट की बात करते हैं, कोई व्यक्ति अगर अपना सेविंग खाता खुलवाता है इस बैंक में तो उसके लिए कितना ब्याज मिलेगा। देखो, यहां पर इसके लिए भी कंडीशन रखी है कि अगर आप अपना सेविंग खाता खुलवा लेते हैं, इसके बाद अगर आपका बैलेंस आपके सेविंग खाते में 1,00,000 से कम होता है तो आपको यहां पर 3.5% का ब्याज मिलता है, ठीक है। और अगर आपका बैलेंस 1,00,000 से 5,00,000 के बीच में होता है तो आपके लिए यहां पर 5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। जो इंटरेस्ट आपके सेविंग खाते पर यहां पर आपको मिलेगा, ये भाई साहब हर महीने मिलेगा। अब हर महीने का मतलब बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि हर महीने 5% मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर महीने आपके सेविंग खाते में ब्याज आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आपका ब्याज कैलकुलेट होगा आपका पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो आपका बैलेंस अगर आपके सेविंग खाते में 5,00,000 से 10,00,000 के बीच में होता है तो आपके लिए यहां पर भाई साहब 6% का इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आपका बैलेंस 10,00,000 से 2,00,000 के बीच में रहता है तो आपके लिए यहां पर 7% का इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आपका बैलेंस 2,00,000 से 5,00,000 के बीच में रहता है तो आपके लिए 7.10% का इंटरेस्ट मिल जाता है। और अगर आपके अकाउंट में 2,00,000 से ऊपर का बैलेंस होता है तो बैंक आपके लिए 7.5% का इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है। तो इस प्रकार से कुछ यहां पर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है आपके सेविंग खाते पर। तो ये तो रही बात इंटरेस्ट की कि यहां पर आपको किस प्रकार से ब्याज मिलता है आप समझ गए होंगे। अगर हम यहां पर बात करते हैं वैसे सेफ्टी की कि मान लो हमने यहां पर अपना एफडी कर दिया, अकाउंट ओपन कर लिया, बैलेंस रख लिया, कल के दिन बैंक डूब गया तो क्या होगा। तो भाई देखो, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक है, आरबीआई से लाइसेंस मिला हुआ है इसको, इसकी मार्केट में ब्रांचें हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, तो वैसे बैंक बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है और आना भी चाहिए कि भाई साहब हमारी सेफ्टी क्या है यहाँ पर, कल के दिन अगर बैंक डूब भी गया मान लो, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ होता है कल के दिन तो कौन गारंटी लेता है हमारे पैसे की। तो यहां पर फिर आपके पैसे की गारंटी लेता है आरबीआई, लेकिन इसके कुछ कंडीशन होती है कि आरबीआई यहां पर देखो ये बोलता है कि जब भी आप अपना सेविंग खाता खुलवाते हो इस बैंक में तो आपका खाता खुलने के साथ ही आपके खाते पे एक इंश्योरेंस एक्टिव हो जाता है, यानी कि बीमा, जिसका नाम होता है DICGC, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन।
ये आरबीआई की एक सब्सिडी बॉडी होती है जो आपके सेविंग खाते पर, इंडिया में जितने भी आप खाते खुलवा दो बैंकों में, सभी बैंकों में लागू होता है, तो यहां पर भी लागू होगा वो। और आप देख सकते हैं क्यूआर कोड भी दे दूंगा स्क्रीन पर, तो आप इसके बारे में अधिक जान सकते हैं यहां से। तो यहां पर आपका 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है, यानी कि अगर मान लो आपने यहां पर अपना पैसा रखा 5 लाख रुपए तक का पैसा, सूर्यडे स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका 101% सिक्योर है, सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। कल के दिन कुछ भी होता है आपके पैसे की गारंटी आरबीआई लेगा, आपको 5 लाख रुपए वापस आरबीआई देगा। अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है तो भाई 5 लाख रुपए तक की एफडी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हर बैंक में यही नियम होता है, एसबीआई में भी यही नियम है, आईसीआईसी में भी यही नियम है, हर बैंक में इंडिया में आपका 5 लाख रुपए तक ही पैसा सुरक्षित होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो ऐसा कोई भी नहीं है, यहां पर आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, सेविंग खाता भी खोल सकते हो। अगर हम बात करें यहां पर सेविंग खाते की, भैया किसी को अगर सेविंग खाता मान लो खोलना है तो फिर कैसे खोलेगा और उसमें बैलेंस कितना रखना पड़ेगा? देखो यहां पर आप अपना सेविंग खाता ऑनलाइन नहीं खोल सकते हो, आपके लिए यहां पर बता दें कि इसकी आप कॉल बैक रिक्वेस्ट डाल सकते हो इनकी वेबसाइट पे आकर के, और यहां पर आपके सेविंग खाते में आपको 2000 रुपए मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा, या फिर आप 10000 रुपए की अगर एफडी करते हो तो आपका खाता यहां पर खुल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनिशियल फंडिंग यहां पर आपको 2000 रुपए करनी पड़ेगी। इस प्रकार से अपना सेविंग खाता खोल सकते हो। अगर हम जीरो बैलेंस की बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को जीरो बैलेंस खाता खुलवाना है तो क्या करेगा, तो इसका जीरो बैलेंस खाता भी आता है, लेकिन जीरो बैलेंस खाते के लिए आपको न्यू कैश नाम से एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करना होगा और उसमें अपना खाता खोलना होगा, तो वो खाता आपका सूर्यडे स्मॉल फाइनेंस बैंक में खुल जाएगा। इसके ऊपर हमारा एक पहले वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हो, वो खाता आपका बिल्कुल जीरो बैलेंस रहेगा और वो खाता आपका सूर्यडे स्मॉल फाइनेंस बैंक में ओपन हो जाएगा। आप नेट बैंकिंग वगैरह चला करके और अपनी एफडी वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। तो डायरेक्टली आपको जीरो बैलेंस खाता इसमें नहीं मिलेगा, न्यू बैंक के द्वारा आप यहां पर न्यू कैश एप्लीकेशन से जीरो बैलेंस खाता खोल सकते हो। तो आई होप कि ये अब आप समझ गए होंगे, ये एक ऐसा बैंक है जो आपके लिए सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट देता है, तो आपके लिए मैंने बता दिया, लेकिन कैसे देता है ये भी आपको बता दिया, सब कुछ समझा दिया मैंने। आई होप क्लियर हो गया आपके लिए एक जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।